अतीक अहमद की बहन है जिन्हें डर है कि यूपी पुलिस अतीक अहमद का एनकाउंटर कर सकती है, और ना सिर्फ केवल अतीक अहमद का बल्कि अतीक अहमद के भाई अशरफ का भी पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। रविवार को प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद को लेने अहमदाबाद की साबरमती जेल पहुंची और कल शाम लगभग 5:30 बजे यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हुई। जिस वक्त अतीक अहमद यूपी पुलिस के बीच वज्र वाहन में बैठते हुए बड़ा बयान दिया था, अतीक अहमद ने कहा था, ये लोग कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख कर मुझे मार देंगे। वही पूरी रात यूपी पुलिस का काफिला रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और सुबह लगभग 9 बजे यूपी पुलिस के काफिले ने उत्तर प्रदेश के झांसी में एंट्री ली, जिसके बाद झांसी की रिजर्व पुलिस लाइन में यूपी पुलिस का काफिला कुछ देर के लिए रुका था और अतीक अहमद को भी कुछ देर के लिए पुलिस लाइन में रोका गया। इसी दौरान अतीक अहमद के परिवार वालों ने यूपी तक से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान अतीक की बहन ने साफ कहा कि अतीक अहमद और अशरफ का एनकाउंटर किया जा सकता है। वो झांसी पुलिस लाइन लेके आया गया, क्या लगता है? नहीं, ऐसा क्यों आप व्यक्त कर रही है एनकाउंटर, जबकि कोर्ट के आदेश पे इनको लेके आया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में डेट है ना, हम लोगों ने यही तो डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि उनको वहाँ से न लाया जाए। हो गई तो आपको क्या लगता है, सरकार जो है कोर्ट के नियम का पालन नहीं कर रही है? तो मैं आरोप एक सरकार पे बड़ा आरोप आप जो लगा रही है कि एनकाउंटर का डर है हमें, तो ये आरोप में कहाँ तक सच्चाई है, आरोप क्यों लगाया जा रहा है? कई केस ऐसा हो चुका है, सरकार पे तो पूरा भरोसा है, लेकिन पहले कई बार ऐसा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।